हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम इन पॉन्डीचेरी एंड टुडे आई एम टेकिंग यू गाइस अलोंग विद मी टू मैंग्रोव फॉरेस्ट. इन्ना रास्कल आ गया माइंड इट. हम को राहों में यूं ही मिलते रहे खुशियां. So right now we are in Paradise Beach. By the way, यहाँ तक आने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. You can come by road, जो कि आपको डायरेक्टली पैराडाइज बीच लेकर जाएगा. Either you can go to the place where you can rent a ferry or boat. House boat also is the option here, which you can rent and आप वहाँ पर रह सकते हो. Typical like house boat वैसा वाला आप experience ले सकते हो. एंड फेरी से आप यहाँ तक आ सकते हो. दिस इज काइंड ऑफ लाइक एस अ फील देगा आइलैंड जैसा, बट इट्स अ बीच, पैराडाइज बीच. सो हम आए हैं रोड वाले साइड से, और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, हमें पीचेवरम जाना है. तो गर्ल्स लेट्स गो, हम फटाफट पिक्चर क्लिक कर लेते. हमारा फिर चालू हो गया. But here it is clean, cleaner than that. We had fun, so much fun here. Woohoo! ओके एवरीबॉडी, तो अब हम निकल चुके हैं पीचावरम के लिए पैराडाइज बीच घूमने के बाद. बाय द वे, पीचावरम का जो डिस्टेंस है वो पॉन्डीचेरी से 70 किलोमीटर्स है, और उसे हम तय करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे में. बाय द वे, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और हमने एक कैब की है, इनोवा गाड़ी, जो कि 6 लोगों के लिए 6 to 7 पीपल के लिए इट्स इनाफ. एंड उनसे उन्होंने हमसे चार्ज किया 4,000 रुपये दोनों साइड का. ऑब्वियसली दे पिक अस फ्रॉम आर होटल एंड देन वो ड्रॉप करेंगे वहाँ पर. बाय द वे, ये सिटी वाला ट्रैफिक और सिटी क्रॉस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, और उसके बाद जब हम सिटी से बाहर निकले ना, तो हमें इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिले, दोनों साइड ग्रीन फील्ड. और ये फील्ड्स के देख के ना, ऐसे गर्मी जितनी भी लग रही थी वो सारी की सारी थोड़ी दूर हो गई. आई मीन रास्ता बड़ा ही सुंदर था आगे जाने के बाद. और हम कुछ 3 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली हम पीचावरम पहुँच गए. Everybody, so we have reached Peachavaram, जहाँ से mangrove forest के लिए हम ride लेने वाले हैं. By the way, Pondicherry से Peachavaram का जो distance है, it is 70 kilometers. So yeah, right now we are here and it's around 12:30. By the way, हम चाहते थे कि हम ऐसे एकदम afternoon में ना पहुँचे, but क्या करें, अभी हम इसी time पे पहुँचे हैं. Mangrove forest और इस जगह के बारे में मैं आपको और आगे बताऊँगी, but right now we are going to the booking counter, जहाँ से हम boat book करेंगे. And boat का जो rate मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, 4 लोगों के लिए it is 400 for 1 hour, and 6 लोगों के लिए 1 किलोमीटर का अगर आपको करना है तो इट इज़ 600 फॉर 1 hour, एंड अगर 2 किलोमीटर की राइड लेनी तो 8 पर्सन के लिए इट इज़ 1800 फॉर 40 मिनट्स. सो दिस इज़ द रेट, एंड आगे बाकी आगे चल के देखते हैं. चलो गाइस, बच्चा रो रहा है फिर भी. गो स्लो, ओके, वी हैव अ किड. खुश हुआ, शाबाशी देगा. ये
ओके एवरीबॉडी, तो हम लोगों ने स्पीड बोट रेंट की थी जैसा कि मैंने आपको कॉस्टिंग वगैरह सब बताई, और जैसे ही हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट एंटर किया, ओ माय गॉड इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। बाय द वे लुक एट माय फेस, हाउ हैप्पी किड आई एम राइट नाउ। बाय द वे अब आपको थोड़ा सा मैंग्रोव फॉरेस्ट के फैक्ट्स बता देती हूँ। तो वैसे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा 1100 हेक्टेयर में ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, बट हमारे बोट वाले भैया ने बताया कि 6000 हेक्टेयर में है, और इसे पूरा घूमने के लिए ना आपको एक महीना लग जाता है। आई मीन What? By the way, look at how beautiful the surroundings and the caves, जो कि स्पेशली मैंग्रोव फॉरेस्ट जो लोग देखने आते हैं, ये केव्स जैसा जो बना हुआ है फॉरेस्ट में, ओ माई गॉड इट्स सो 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 ब्यूटिफुल। और एक फैक्ट ये है कि ये बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है, बीच में एक सैंड वाला एरिया है विच डिवाइड्स बोथ ऑफ इट, बट येस इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल। और इस कुछ इस तरीके से हमने ये पूरा अपना जो टूर था मैंग्रोव फॉरेस्ट का, वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। बट एक एडवाइस जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि आप अगर समर्स में जा रहे हो, पहली बात तो जाओ मत समर में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट अगर आप जा रहे हो तो ट्राई करो कि आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग में जाओ पीचावरम, सो दैट कि आपको वो जो बोट राइड है ना उसका मज़ा आए। ये तो हमने स्पीड बोट की थी इसलिए वी इन्जॉयड, अदरवाइज हमने अगर वो पैडल बोट की होती तो हमारा जो है वो हालत ख़राब हो जाता। बाय द वे कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो द ड्राइव एंड द विजिट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट वॉज अमेजिंग। अभी सब अपने अपने स्कूल की यादें ताजा कर रहे हैं। आरती तुम्हारे स्कूल टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा ना? वो तो अब मेरे दोस्तों वाला है जाएगा। इंट्रोडक्शन होता था कि अब अपना इंट्रोडक्शन दो, तो भैया बर्फी भी नहीं बोलता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी कुछ नहीं बोलती है ना। हाँ, तो उसको पूछते थे सर आपका नाम, बर्फी बर्फी कुछ नहीं बोलने का। सही है। बॉलीवुड बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनती ही नहीं है, जो उसका मेन स्टोरी थी जो बोलते लव स्टोरी थी, मैंने कहा अच्छी बात है। इन्ना रास्कला माइंडेड। वी आर एट द रेस्टोरेंट, वेरी फेमस वन इन साउथ इंडिया। वी हैव अ ब्रांच ए टू बी, इसका नाम वैसे क्या है, आनंद भवन। सो नाउ वी आर हियर फॉर लंच ऑन आवर वे बैक टू पांडिचेरी, जहाँ पर हम फर्स्ट डे जब हम पांडिचेरी आ रहे थे तो हमें वहीं पर स्टॉप किया था, बट वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था और एकदम ऐसा टिपिकल ढाबे जैसा लग रहा था। दिस इज काइंड ऑफ हल्दीराम, वी कैन से हल्दीराम का स्वरूप है ये थोड़ा। बाय द वे वी हैव ऑर्डर्ड साउथ इंडियन मील फॉर लंच एंड लेट्स सी कैसा है टेस्ट, आएगा तो बताते हैं आपको। अच्छा है खाना, अच्छा है, फ्रेश हलवा भी बहुत अच्छा है। ओके एवरीबॉडी, सो वी जस्ट हैड लंच हियर इन आनंद भवन एंड इट वाज सो गुड। इफ यू आर अराउंड तमिलनाडु you must check this chain out, this is like very budget friendly, very nice and very fresh vegetarian. If you are vegetarian, you're looking for complete vegetarian food, then this is the place you can come in and you can have like breakfast to dinner, everything, anything. Yeah, highly recommend. Guys, we'll say about the food. How was it? Mamma mia. Mamma mia. Nice guy. Ye mai kar de.